एक सुबह महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को प्रवचन देने पहुंचे, लेकिन आज सारे शिष्य उन्हें देखकर आश्चर्यचकित थे, क्योंकि आज पहली बार वो अपने हाथ में कुछ लेकर आए थे। जब महात्मा बुद्ध पास आए तो सारे शिष्यों ने देखा कि उनके हाथ में एक रस्सी थी। भगवान बुद्ध ने आसन ग्रहण किया व बिना कुछ बोले वो रस्सी में गांठ लगाने लगे। वहाँ उपस्थित सभी शिष्य यह सोच रहे थे कि आज बुद्ध इस रस्सी के माध्यम से क्या सिखाना चाह रहे हैं और अब वो आगे क्या करेंगे। तभी बुद्ध ने सभी से एक प्रश्न किया। उन्होंने कहा, मैंने इस रस्सी में 3 गांठें लगा दी हैं। अब मैं आप लोगों से यह जानना चाहता हूँ कि क्या ये वही रस्सी है जो गांठ लगाने से पहले थी। तब एक शिष्य ने कहा, बुद्धा, इसका उत्तर देना थोड़ा कठिन है। यह वास्तव में हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करता है। एक दृष्टिकोण से देखें तो ये वही रस्सी है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन दूसरे नज़रिए से देखें तो अब इसमें 3 गांठें पड़ चुकी हैं जो पहले नहीं थी, इसलिए इसे बदला हुआ भी कह सकते हैं। लेकिन ये बात भी ध्यान देने वाली है कि बाहर से देखने में भले ही ये बदली हुई प्रतीत हो, पर अंदर से तो ये वही है जो पहले थी। इसका बुनियादी स्वरूप अभी भी वही है, सत्य है, भगवान बुद्ध ने कहा। अब मैं इन गांठों को खोल देता हूँ। यह कहकर भगवान बुद्ध रस्सी के दोनों सिरों को एक दूसरे से दूर खींचने लगे। फिर उन्होंने शिष्यों से पूछा, आप लोगों को क्या लगता है, क्या रस्सी को इस प्रकार से खींचकर इन गांठों को खोला जा सकता है? तभी एक शिष्य ने जवाब दिया, नहीं नहीं, ऐसा करने से तो ये गांठें और भी ज़्यादा कस जाएंगी और इन्हें खोलना और भी मुश्किल हो जाएगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब एक आखिरी प्रश्न बताओ, अब इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? शिष्य बोला, इसके लिए तो पहले हमें गांठों को ध्यान से देखना होगा ताकि हम यह जान सकें कि इन्हें कैसे लगाया गया है और फिर हम इन्हें खोलने का प्रयास कर सकते हैं। मैं यही तो सुनना चाहता था, बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा। मुख्य प्रश्न तो यही है कि जिस समस्या में तुम फंसे हो उसका कारण क्या है। बिना कारण जाने समस्या का पूर्ण समाधान असंभव है। मैं देखता हूँ कि अधिकतर लोग बिना कारण जाने निवारण करना चाहते हैं। कोई मुझसे यह नहीं पूछता कि मुझे क्रोध क्यों आता है। लोग पूछते हैं कि मैं अपने क्रोध का अंत कैसे करूँ। कोई यह प्रश्न नहीं करता कि मेरे अंदर अहंकार आया कहाँ से। लोग हमेशा यही प्रश्न पूछते हैं कि मैं अपने अहंकार, अपने घमंड को खत्म कैसे करूँ। तो प्रिय शिष्यों, जिस प्रकार रस्सी में गांठ लग जाने पर उसका बुनियादी स्वरूप नहीं बदलता, उसी प्रकार मनुष्य में भी कुछ कमियां आ जाने से उसके अंदर की अच्छाई का बीज कभी खत्म नहीं होता। जैसे हम गांठ लगने का तरीका पता चलने पर रस्सी की गांठों को खोल सकते हैं, उसी प्रकार समस्या का कारण पता चल जाने पर मनुष्य की समस्या भी हल कर सकते हैं। मेरे प्रिय शिष्यों, मैं चाहता हूँ कि तुम इस बात को समझो कि जब तक जीवन है तब तक समस्याएँ भी रहेंगी, और अगर समस्याएँ हैं तो उनका समाधान भी अवश्य होगा। बस जरूरत है तो हमें उस समस्या के कारण तक जाने की। यदि हम समस्या के कारण को अच्छे से जान लेते हैं तो हमें उसका समाधान भी अवश्य ही मिल जाएगा। और यह कहते हुए भगवान बुद्ध ने अपनी बातें समाप्त की। दोस्तों, इस कहानी ने हमें सिखाया है कि यदि हमें अपने जीवन की समस्याओं का समाधान चाहिए तो पहले समस्या के कारण को पहचानो, समाधान अपने आप मिल जाएगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।